तो हम डैशबोर्ड बना रहे हैं, और डैशबोर्ड में क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज से हम नकल कर रहे हैं, तो जैसे ये डैशबोर्ड है इसकी नकल करना है हमें। सबसे पहले यहां पे मुझे देना है टोटल सेल। कैसे दें? तो देखिए इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक फिल, इसको बोलते हैं मेजर्स। मेजर्स में यहां आपको न्यू मेजर्स पे क्लिक करना है, तो ये आपको एक फॉर्मूला का पार्ट देगा, मेजर्स करके आ जाएगा। तो यहां पे मैं करता हूं यहां पे टोटल क्वांटिटी QTY, और इसमें आप दे दीजिए सम। सम के अंदर में क्या, तो हमने बोला क्वांटिटी, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक नया टोटल क्वांटिटी नाम का एक कॉलम ऐड हो जाएगा। अब इसको उठा के आप ऐसे रख देंगे तो ऐसे भी आपको यहाँ ये टेबल फॉर्मेट में रख दीजिए, टेबल फॉर्मेट में, तो आपको दिख जाएगा, बट ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है ना। तो यहां आपके सामने होता है कार्ड, तो कार्ड को इंसर्ट कीजिए और इस कार्ड के ऊपर इस टोटल को रखिए। अब बेटर दिख रहा है? और इस कार्ड की भी अपनी फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि डेटा लेबल की हम बात करें, यहां पे यूनिट ऑटो आ रहा है, मैं नन कर दूंगा तो जितना है उतना आएगा। ओके, समझ गए? जी सर, टाइटल ऑफ है, ऑन कर जी दीजिए सर, टाइटल, और यहाँ पे टाइटल आप देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे टोटल सेल्स ईयर 2020, ठीक है सर, हो गया। अब इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और एक जगह पे इसको होल्ड कर लीजिए। फाइनल हो गया? समझ में आया आपको ये? सर इम्तियाज जी समझ में आया? जी सर, आया सर, बिल्कुल आया। हाँ, तो एक फील्ड खुद ब खुद कैलकुलेट कैलकुलेटेड फील्ड बना सकते हैं और उसको आई कार्ड में रख सकते हैं। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा है यहाँ पे कि ये दो चार्ट ईयरली चार्ट दिखे, तो हम इसको लेते हैं और यहां पे इसको रखते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना ईयर देते हैं और क्वांटिटी देते हैं। और इसमें ये आपका इंडस्ट्री है, तो यहां भी हमारे पास एक इंडस्ट्री है कस्ट यहाँ पे, तो इस इंडस्ट्री को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। हो गया? बट ये समझ नहीं आया कि दो किसका है, एक तो आपका क्वांटिटी है और दूसरा क्या है। अच्छा, ईयर कोई तरीके से नंबर ले लिया, दिख ईयर रहा है आपको नंबर सर? ले रहा है, हाँ, यहाँ पे वैल्यू में डाला हुआ है सर दोनों पे। जी हाँ, तो यहां हम क्या करेंगे, ये जो आपका ईयर है इसको लीजिए और होल नंबर की जगह पे इसको दे दीजिए आप टेक्स्ट। हो गया टेक्स्ट? अब हम रिपोर्ट पे आते हैं। ईयर हट गया, ईयर को यहां डालता हूं। अब आ गया सर जी क्या? तो डेटा हमारा कई सारे ईयर का है इसलिए ऐसा दिख रहा है रिपोर्ट आपका। ओके, इस पे आप चाहो तो, जैसे 2 ईयर का चाहिए आपको तो फिल्टर यूज कर सकते हैं यहां पे। हो अच्छा, इसे कोई फिल्टर अप्लीकेबल नहीं है इसमें, इसको बड़ा यहां से हो सकता है, जैसे जिसको जिसको देखना होगा ना वो इस पे क्लिक कर देगा, इस पे बड़ा फोकस मोड बोलते हैं उसको। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे एस्टिमेटेड रेवेन्यू ईयर एंड इंडस्ट्री है, तो पर सेम इनका इनका सर 2005 और 2006 एक्सिस है सर, जो बुक इंडस्ट्रियल ईयर बनाया है ना, इनका इंडस्ट्री 2005 2006 एक्सिस पे है, एक्सिस एक्सिस पे। हाँ, तो नंबर ले लिया ना उन्होंने, अच्छा, उन्होंने इसको ईयर को चेंज नहीं किया था और कलर। ये आप चाहते स्विच हो जाए, मतलब कि आप चाहते कि ईयर नीचे आ जाए और ये ऊपर आ जाए, तो
वो भी आप कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे कि इंडस्ट्री मोड में है, तो एक मिनट मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेजेंड को ऊपर इंडस्ट्री में रख देता हूँ, इंडस्ट्री को लेजेंड में रख देता हूँ, हो गया। हाँ यही से इसे चेंज कर सकते हैं। मगर इसमें उनका 2 साल का है, 2003 2006 का है। हाँ तो उन्होंने फिल्टर लगाया होगा, अच्छा, या फिर डेटा में उन्होंने फिल्टर कर दिया होगा। ऐसा ऐसा आपको लगता है कि 2 साल का ही दिखे, तो डेटा में आइए और डेटा को मान लीजिए कि हमने 2005 और 2006 में फिल्टर कर दिया, ठीक है। नहीं, डेटा फिल्टर करने से नहीं होगा, डेटा फिल्टर करने से नहीं होगा, मुझे वहां पे फिल्टर करना पड़ेगा। क्या बोलते हैं इसकी पावर क्वेरी में जाकर, वो कैसे होगा सर? तो होगा आपका होम में जाइए और यहाँ रिसोर्स आता है ना, सॉरी ट्रांसफॉर्म डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कीजिएगा, पावर क्वेरी आ जाएगा। इसका यूज से मान लीजिए मुझे 15 और 16 का ही करना है, जी। ओके, इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि ये लोकेशन नहीं है मेरे पास, लोकेशन नहीं है, ठीक है ना। ये जिस पीसी पे ऐड हुआ उसी पीसी पे होगा, तो ये आपको बाद में बता देंगे, फिलहाल रहने दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, आगे का टॉपिक है ना इस बात का। उसके बाद फिर आपका सेम चार्ट है और इसमें हमारा ईयर भी सेम है और इसमें आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू है, ओके, और इसमें इंडस्ट्री के हिसाब से है तो इंडस्ट्री को लिख के रख सकते हैं आप। सर इसमें ईयर जो है 2003 2005 2006 ऐसे आ रहा है, 2003 2005 2006 अकॉर्डिंग, हम चाहे कंटिन्यूअस रहे 2003 2004 2005 उस तरह से रहे तो नहीं, उससे ए अभी है वैल्यू का अकॉर्डिंग शॉर्टेड है। आप इसे शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप यहां से शॉर्ट कर सकते हैं ना, वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसके लेजेंड के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं होता है सर, शॉर्ट वाइज यहाँ ईयर है, क्वांटिटी कर देते, क्वांटिटी आएगा शॉर्ट, यहाँ पे हमने शॉर्ट बाय ईयर पे रखा। अब हो गया, हाँ यही 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 चाहिए सर। यहाँ भी आप सेम कर सकते हैं, शॉर्ट बाय ईयर, ठीक है जी सर, जी सर। इसको थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए, थोड़ा सा छोटा, थोड़ा छोटा विजुलाइजेशन, यहाँ पे अगर ए मूव ए होगा ना, जैसे विजुलाइजेशन हो गया आपका, तो ये इस तरह से कर सकते हैं। 2008 में सर इंडस्ट्री, 2008 में इंडस्ट्री तो दो ही है ना सर, कस्टम कस्टमर गुड्स एंड फिनांस, तो लेजेंड 2008 में 1 2 3 इतना सारा ग्राफ क्यों बन रहे हैं सर? और भी लेजेंड्स है ना, ऊपर जगह नहीं पे छुपा हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है सर। क्वार्टरली क्वांटिटी है आपका, तो मैंने यहाँ पे इसको लिया है, इसमें हमने क्वार्टर को डाला और हमने क्वांटिटी को डाल दिया, ओके। इसमें देखिएगा सर, परसेंटेज भी आता है, नंबर भी आता है, दोनों आता हाँ, है। हाँ हाँ सब आ सकता है, वो ये मेरी पढ़ाई नहीं, लाइन पढ़ाई कहा आपको मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम लेंगे, एक और मेजर्स लेंगे, मेजर्स, और यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे रेवेन्यू, और यहाँ आपका आ जाएगा एस्टिमेट, यहाँ पे एक्चुअल होगा ना, यहाँ पे एक्चुअल रेवेन्यू, तो सम एक्चुअल रेवेन्यू हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, और फिर यहाँ से कार्ड को लिया और कार्ड में हमने एक्चुअल रेवेन्यू को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये 25.6K है, बट मैं इसकी फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और डेटा लेबल और ऑटो की जगह पे नन कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा ये हो गया ना, फॉन्ट छोटा दिख रहा है, तो इसकी साइज को कम कर दीजिए, ठीक है जी सर।
और जो टाइटल वगैरह देना इसमें दिया है टाइटल, वो टाइटल दे सकते हैं। तो ये ऊपर का लाइन हो गया। अब यहाँ पे क्वार्टरली एक्चुअल रेवेन्यू है, क्वार्टरली एंड इंडस्ट्री है, तो इसमें सेम चार्ट हमारा ये आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ पे हम क्वार्टर देते हैं। और इसमें हम देते हैं क्वांटिटी, तो देते हैं इसमें इंडस्ट्री, ठीक है। उसमें क्वार्टर लेजेंड था ना सर, क्या बोले? हाँ क्वार्टरली है, लेकिन उसमें क्वार्टर क्वार्टर आप वन स्विच क्वार्टर कर दीजिए ना, ये आपका स्विच कर दीजिए, यहाँ से इसको ऊपर रख दीजिए, इंडस्ट्री को ऊपर रख दीजिए और क्वार्टर को नीचे रख दीजिए। ओके फाइन, स्विच कर सकते हैं, ठीक है जी सर। उसके बाद यहाँ पे आप जो है बार चार्ट ले लीजिए यहाँ से, तो इस तरह से आप बनाइए, ठीक है। और इसमें जो है आपका क्या है, सेम है, एक ही चीज दे रखा है, इसमें हम इसको कस्टमर कर देते हैं, कस्टमर क्वांटिटी एंड क्वार्टर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका इंडस्ट्री ईयर वाइज इंडस्ट्री का यहाँ पे एक चार्ट लगा सकते हैं। हाँ तो इसी तरह से आपको बना बना सकते थे। तो इसमें आपने सीखा मेजर्स सीखा, राइट? जी जी सर। तो इस तरह से मेजर्स को निकाला जा सकता है। इसके बाद इसमें अपना जो करना है कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, मैथ चार्ट भी दे सकते हैं इसमें, तो बहुत सारी इसमें ये कर सकते हैं यहाँ से आप। अच्छा सर, मान लीजिए यही ग्राफ हमको हर बार बनाना पड़े मंथ वाइज, तो उसका तो थोड़ा उपाय होगा ना सर, स्लाइसर वगैरह कुछ करके? हाँ स्लाइसर यहाँ पे ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए ना मुझे इसको सेल्स पर्सन वाइज देखना है, तो मैंने यहाँ से स्लाइसर लिया और स्लाइसर में मैंने ले लिया अपना सेल्स पर्सन, डाल दिया, सबके लिस्ट आ गए। तो आपको इस तरह से रखना है तो ठीक है, वरना आपको ड्रॉप डाउन चाहिए तो यहाँ आपके सामने ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लीजिए और इसको छोटा कर लीजिए अपने हिसाब से, और जहां इसको रखना है वहां पे इसको सेट कर दीजिए। अब इसके पीछे आपका यहाँ पे फॉर्मेट में आता है, अब इसकी बैकग्राउंड आता है स्लाइसर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर को ऑफ कर दीजिए, ठीक। तो ये आपका ओवरराइड नहीं करेगा, हो गया। अब यहाँ हाँ सेलेक्ट कीजिए, अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, पूरा रिपोर्ट इसी के अकॉर्डिंग हो गया, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली ठीक है। अगर यही स्लाइड सर हम 4-5 पेज बनाएंगे अलग अलग इंडिकेटर पे, हाँ तो अलग अलग, हाँ तो अलग 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 डालिए एक एक करके। जैसे मुझे एक और स्लाइसर चाहिए तो मैं एक और स्लाइसर डालूंगा, अलग फील्ड के लिए जैसे मुझे चाहिए इस बार इसके लिए प्रोडक्ट के लिए, मैंने प्रोडक्ट के लिए डाल दिया, ठीक है। ठीक है। तो अगर हम यहीं पे मान लीजिए स्लाइसर लगा दिए सेल्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, अब 5 रिपोर्ट है मेरा बना हुआ 5 पेज पे, तो सेम अगर यहाँ पे नहीं चेंज नहीं, कर, नहीं ए, 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 एक रिपोर्ट पे एक ही चलेगा, एक मतलब रिपोर्ट पे एक एक पेज पे एक ही चलेगा, 5 पेज के लिए नहीं चलेगा सर? नहीं, उसका कोई उपाय नहीं है, नहीं एक कनेक्ट नहीं करेगा सर एक दूसरे को पेज नहीं, को? नहीं, नहीं एक डैशबोर्ड एक ही पेज पे बनेगा ना। ओके एक किया जा सकता है कि जैसे कि आगे से फॉर्मूला बताऊंगा तो मैं बता सकता हूँ कि जैसे कि मैं स्लाइसर यूज करूंगा तो सिर्फ चार चार्ट ही, चार चार्ट ही सेक्टर होना चाहिए, नीचे नहीं, मैं इसी में सेगमेंट बना सकता हूँ, मैं अलग अलग कर अच्छा, सकता हूँ। पर मान ली 5-4 5 पेज में बनाए हैं तो मगर उसको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं ये तो ड्रॉबैक हो गया फिर। ठीक है, तो आप लोग बनाइए इसको, कल मिलते सर हैं, कल हम बात हेलो, करेंगे नीचे वाले लाइनिंग के ऊपर, ये सब के हेलो ऊपर। हाँ बोलिए सर, जैसे मुझे हरमन सर जैसे ग्राफ बनाने होते तो बार बार मैं फॉर्मेटिंग ना करूँ और ऑटोमेट अपडेट हो, तो ऐसा है पॉसिबल? एक बार आपने बना लिया तो नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिक होगा ना,
नहीं तो डेटा फिर कैसे चेंज, डेटा भी तो चेंज करना पड़ेगा ना मेरे को। हाँ तो डेटा कहीं से कनेक्ट किए हुए है ना आप, वहां से डेटा वो चेंज कर दीजिए या रिफ्रेश कर लीजिए। यहाँ वो तो वेस्ट हो जाएगा अपडेट। जैसे मान लीजिए डेटा आप अभी देखा है, ट्रांसपोज कर रहा था मैं तो बता रहा था ना कि आपके आपके फोल्डर में है, तो उसमें हाँ किसने अपना डेटा को चेंज कीजिए, रिफ्रेश मारिए आपका डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। की तरह बिल्कुल। ओके सर। सर इसमें ऐसा भी होता है ना, जैसे एक्सेस में हम क्या करते हैं एक फोल्डर बना देते हैं फिर तो लिंक देते हैं, जैसे ही फोल्डर में फाइलें अपडेट डलेंगी वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर लेगा अपने आप डाटा। यहाँ पावर बीआई में ऐसा नहीं होता, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, ये पिवट की तरह है बिल्कुल। ओके ओके। हाँ जब ओपन होगा तो रिफ्रेश कर लेगा। ठीक है ओके बाय बाय सर।